मैं खड़ा हूँ अभी सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में, और ये जिला अस्पताल कुछ दिनों में आपको 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत दिनों से यहाँ के जो लोग हैं, नोएडा के जो निवासी हैं, वो ये मांग कर रहे थे कि ट्रॉमा सेंटर दिया जाए, ताकि जो ऐसे एक्सीडेंट के केस होते हैं या जो आपातकालीन स्थिति में जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको दिल्ली एम्स या सफदरजंग रेफ़र कर दिया जाता था, उस चीज़ से बचने के लिए बहुत दिनों से लोग मांग कर रहे थे कि नोएडा में भी इस तरीके के ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। इसके बाद ये फैसला लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि ये जो मेरे पीछे आप जिला अस्पताल देख रहे हैं, यहाँ पर 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। इसके लिए 3 डॉक्टर और 1 नर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तरीके से ट्रॉमा सेंटर में काम किया जाएगा और कैसे यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो शुरुआत होगा। अभी जो यहाँ पर जिला अस्पताल है वो कुछ दिनों में, यानी कि जनवरी के अंतिम दिनों तक, अंतिम हफ्ते तक किसी और जगह पर, यानी सेक्टर 39 में जो है सो शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जगह जो है खाली हो जाएगी और खाली होने के बाद में यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।